Hello everyone. So in this question, we need to prove that point B lies on BC. तो हमें ऐसा क्यों है? एक ट्राइंगल है ABC, जो AB है, वो ये सर्कल का डायमीटर है, AC है, वो ये सर्कल का डायमीटर है। तो हमें बताना है कि वो सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट AND, तो D जो है वो BC पे लाई करेगा, वो हमें बताना है। D BC पे लाई करेगा, that means angle ABB should be 90 and ADC should be 90, या ये दोनों का addition 180 होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं linear pair हुआ, तभी हम कह सकते हैं BDC is on a straight line, right? So first we will draw a triangle ABC, और उसके अंदर AB जो है वो पहले circle का diameter होगा और AC दूसरे circle का। So AB को diameter लेके पहला circle बनाएंगे और AC को diameter लेके दूसरा सर्कल बनाएंगे। नाउ वी विल हैव टू नाउ प्रूव दैट एंगल एडीबी प्लस एडीसी दोनों मिला के कितनी होनी चाहिए? 180 होनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि बी जो है वो बीसी पे लाई कर रहा है। अब हमें ये चीज पता है कि अगर कभी भी डायमीटर सर्कल पे कोई भी पॉइंट पे अगर कुछ एंगल बना रहा है तो हमेशा 90 डिग्री होता है, राइट? सो सेमी सर्कल ऑलवेज फॉर्म्स एंगल ऑन द सर्कल एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देख सकते हैं AB जो है वो डायमीटर है, तो वो सर्कल के पॉइंट B पे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। वैसे ही AC ये सर्कल का डायमीटर, तो डायमीटर सर्कल पे कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री, तो ये भी 90 हो गया। तो एंगल ADB इज 90, ADC इज 90, तो 90 प्लस 90 हो गया 180। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल BDC कितना हो गया? 180 हो गया। सो वी कैन से BDC लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। So D lies on BC. So this is how we solve this question. I hope this question is more clear to you now. Thank you.